भी देख सकते हैं कि बच्चियाँ तीन बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग और वेलकम टू माय चैनल। और ये देख सकते हैं अभी फातिमा मरियम मरमा सो रही हैं। मैंने आज आपको बताया था कि मरमा की छुट्टी है क्योंकि इनका जौन सा है वो स्कूल के बच्चों ने बाहर जाना था, बड़े जो हैं तो फिर इनको आज छुट्टी थी छोटे बच्चों को। और ये मेरी अम्मी सो रही हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे थे, ये बेड खाली है। पता नहीं मेरी बच्चियाँ इधर क्यों नहीं सोती, क्योंकि ना ये ना इसके जॉइंट ना निकल आते हैं ये, तो इस वजह से डर लगता है, शायद इस वजह से नहीं बच्चियाँ सोती। तो ये इसको मैं जुड़वाऊँगी इंशाल्लाह, इनके चाचू से कहूँगी कि जोड़ दें इसको स्मार्ट लगा के अच्छे तरीके से, और एक दिन इसको धूप में रखूँगी ताकि ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाए इसकी स्मार्ट, तो फिर मैं करूँगी इंशाल्लाह इसको यूज़। मैं मना भी करता फापा मरूम करेंगे। ये देखें ये दूध थोड़ा सा गिर गया, क्लियर हो रही थी। ये देखिए मैंने दूध रख दिया चूल्हे पे, ऊपर में आज रात मैंने पानी भगवाया था, ये आलू बुखारे भिंडी का। अब मैं इसको गुठलियाँ निकाल लूँगी और इसमें चीनी मिक्स करके इसमें आधा पानी पी लूँगी और आधा कल पीऊँगी, ठीक है। मैं आई हूँ, मैंने कहा पहले मैं ब्रश कर लूँ। ब्रश करने के बाद करेंगे, ब्रश करने लगे। ये देख सकते हैं मैं दोनों बच्चियों को दूध दे रही हूँ, बच्चियों ने सो रही थी और टूट गई है, ये दूध मांग रही है। चले ये ले तू, ले और सो जाए। और मैमा काफ़ी देर की सोई हुई है, मैंने काफ़ी दफ़ा उठाया इसको कि उठ जाए कुछ खा लें, उठ ही नहीं रही। तो ये जब भी उठेगी मैं इसको खाने को कुछ दे दूँगी। और ये मैंने लोबिया निकाला था, अब मैं इसको भिगो दूँगी सारी रात के लिए, और साथ ये वाइट चने भिगो दूँगी चुन के, उसको मैं चुन लेती हूँ। मुझे ऐसे ही आलू बुखारा खाना बहुत अच्छा लगता है। और किसी स्कूल टाइम में हम जो सा है इमली पे टाटरी पता नहीं डली होती, चाट मसाला डला होता था, हम वो खाते थे और मज़ा आ जाता था। मुझे वैसे गले की बहुत प्रॉब्लम रहती थी खांसी वगैरह, और वही हिसाब मायमा का है कि उसको हल्का सा भी कुछ खट्टा कुछ ठंडा चला जाए तो बस उसका फ़ौरन गला ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने एक कप पानी लिया है, इसमें मैंने एक आलू बुखारा डाल दिया और एक इमली डाल दी है। मैं इसको सारी रात के लिए ढक के रख दूँगी, सुबह निहार लूँ मैंने इसका आधा कप पीना है और फिर अगले दिन आधा कप पीऊँगी, ताकि ये जो यरकान है इसके लिए ये पीना है क्योंकि ये बहुत मुफीद है, बहुत ठंडा है। और इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे खांसी की प्रॉब्लम हुई है गले की, तो मैं चीनी इसमें ऐड करूँगी। मुझे उन्होंने कहा था कि आप इसमें जामशीरी भी डाल सकती हैं टेस्ट चेंज करने के लिए, ठीक है। तो मैं गुड़ भी डाल सकती हूँ लेकिन मैंने गुड़ नहीं यूज़ करना, मैं चीनी यूज़ ज़रूर करूँगी। इसकी जो गुठलियाँ वो निकाल के फेंक दूँगी, इसमें चीनी ऐड करूँगी और पी जाऊँगी सुबह निहार में। और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो छुट्टी है क्योंकि उनका 8 से लेकर तक जो है ना वो बच्चों को लेके जा रहे हैं आउटिंग पे, ठीक है। तो इस वजह से मायमा को छुट्टी है कल, तो मैंने सोचा था कि इसको ऑयल वगैरह लगा के बच्चियों को तीनों को तो अच्छी तरह नहलाऊंगी। देख सकते हैं ये आधा मैंने रख दिया, ये मैं कल पीऊँगी
ठीक है, इंशाल्लाह सुबह मैं आ लूँ। अभी मैं आज मेरे लिए मैंने टिफिन काटी है और कुछ नहीं, चम्मच में दो डाल दी, मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसको पी जाऊँगी। ब्रश मैं हाथ में धो रही हूँ और ब्रश को ये मैंने अम्मी का अंडा बनाया है, बच्चियों के बना रही हूँ, एक मामा का फाफा फातिमा मेरी उनको दूंगी तो पूरा वो अभी नहीं खा रही, ज़ाया कर रही अभी। बच्चे के मूड पर डिपेंड करता है, कभी बच्चा इतना शौक से खाता है कि एक से ज़्यादा भी अंडे खा लेता है, पर कभी ऐसे खाता है कि एक भी अंडा इनसे खत्म नहीं होता। बस ऐसे ये जब तबीयत आवाज़ हो या बच्चे बीमारी से सही होते हैं, ठीक होते हैं, तो फिर ऐसे ही तंग करते हैं बच्चे। मैं जल्दी जो सी ना उठा देती हूँ, पूरी पकाती हूँ मैं, बच्चियाँ जो सी हैं तक आराम से खा लेती हैं, वो हाथ बहुत गंदे करती हैं जल्दी जब तोड़ती हैं, मैं इसलिए इनकी ये जल्दी पूरी पका देती हूँ, ठीक है, ताकि मुझे तंग ना करें। मेरी अंडा बन गया है इनका, ठीक है, अब मैं वो करूँगी स्लाइस। मेरा आज इतना ख़राब है कि मैंने ना प्लेट में रखे थे स्लाइस और मैंने रख दिए मोबाइल ये मैंने चने ऊपर में रख दिए बच्चे नाश्ता करते हैं, नाता तल लें बच्चे, बच्चे नाता तल लें चुड़ेलें। ये देखिए मैंने ये गुड़ चढ़ा दिया, ठीक है, पकने रख दिया मैंने गुड़। इसकी झाग हम ना उतार के तो फेंक देंगे, बकाया पानी गुड़ मेल्ट हो जाएगा पानी, फिर हम चावल में डालेंगे। ये मैंने एक कप चावल भिगोए हैं और आधा कप मैंने चने की दाल भिगोई है, ठीक है। ये मैंने लोबिया निकाल के रखा है, सफ़ेद चने निकाल के रखे, मैंने कहा रात में भिगोऊंगी। और ये अब चावल बनाएंगे, ज़रा पानी पक जाए ना तो फिर चावल बनाते हैं खैर से। ये देखें मैंने कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे और ये हमारा तैयार हो गया है गुड़ का पानी। ये देखते हैं किस कदर काला सा लग रहा है, लेकिन ये काला नहीं क्योंकि ये देसी गुड़ है, असल वाला जो गुड़ होता है। ना मानो हाथ पीछे, और ये फातिमा मेरे पास बैठी है, ये मैं ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है, इसमें हम डाल देंगे इलायची, ये मैंने डाल दी है इसमें चने की दाल अब, और ये चने की दाल को हम गला लेंगे, इतना गला लेंगे कि चावलों के साथ आराम से पक जाए, इतना हम इसको गलाएंगे। ये देखिए पानी कच्चा हो गया, दाल अभी भी कच्ची है, फिर हम चेक कर लेते हैं कितनी अभी कच्ची है। हो जाएगी चावलों के साथ। अब हम इसमें डाल रहे हैं गुड़ का पानी, ठीक है, ये डाल दिया हमने और हम इसमें साथ ही डाल देंगे चावल। अब मैंने इसको थोड़ा सा भून के इसमें पानी डाल दिया, ये पानी में गल जाएगी दाल, तो फिर हम गुड़ डालेंगे, गुड़ का पानी डालेंगे। ये थोड़ा सा पक जाए इसके बाद हम चावल डाल देंगे। देखिए मैंने अब इसमें चावल डाल दिए, देखिए चावल पक रहे हैं, ये देखिए पकना शुरू हो गया। मेरे पास ना चम्मच ना लकड़ी का प्लेन वाला नहीं है, लॉन है, बस आपको पता है हर चीज़ को तो आग लगी पड़ी है, क्या बंदा खरीदे तो क्या ना खरीदे, सोच में बंदा पड़ जाता है। और बाज़ार जाए तो बंदा कहता है ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, बस
इंशाल्लाह लेके आऊँगी मैं। अब मेरा चक्कर जब भी लगा बाज़ार का, मैंने चम्मच ये ज़रूर लाना है। चावल पक रहे हैं, मैं उसमें ढकना देने लगी हूँ। और ये मैंने आपको कहा था ना कि फीडर आए हैं, ये देखिए ये पाँच साल वाले फीडर है, पुराने वाले वो फीडर मैंने फेंक दिए हैं। ये मैंने इसको ढकना दे दिया है,